Good morning, all of you. Today we will discuss about the preparation of aromatic amine. In the last lecture, we have discussed about the aliphatic amines preparation. तो आज हम जो प्रिपेयर करेंगे कंपाउंड वो हमने एज ए स्टैंडर्ड आपका एनिलीन लिया, साथ के साथ हम कुछ और भी एरोमेटिक एमीन्स को प्रिपेयर करेंगे, लेकिन मेन जो हमारा कंपाउंड रहेगा वो एनिलीन रहेगा। तो अब एनिलीन को हम कहाँ से प्रिपेयर करें? एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए वेरी बेसिक कंपाउंड, स्टार्टिंग कंपाउंड दैट इज द बेंजीन। बेंजीन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं अलोंग विद द बेंजीन डेरिवेटिव्स लाइक क्लोरोबेंजीन, लाइक फिनोल एंड सो ऑन। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रॉम द बेंजीन। तो बेंजीन को अब हम एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके डिफरेंट वेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, तो बेंजीन की जो पांच बेसिक रिएक्शन है, क्योंकि बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करता है? बेंजीन शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? मैंने पहले ही एरीन्स वाले पार्ट में आपको पढ़ाया है कि जो बेंजीन है इसके पास क्या है, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ड्यू टू द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन इट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो बेंजीन है इसके अंदर डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए, बट एडिशन रिएक्शन अगर ये दिखाता है तो इसमें एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि बेंजीन इज ऑलरेडी एरोमेटिक। क्योंकि बेंजीन के अंदर आप बड़े ध्यान से देखें बेंजीन की स्ट्रक्चर में, इट हैज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इट आल्सो हैव द साइक्लिक कंजुगेशन। 4n + 2 पाई मींस इट हैज 6। देखो इसके अंदर बेंजीन रिंग में आपको 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड है, तो उसका मतलब क्या हो गया? देखो ये रूल जो होता है 4n + में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो इस टाइप से। तो n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 1 पुट करें 2 पुट करें तो 4 टू जा 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो किसी भी सिस्टम के पास अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है एंड सो ऑन, प्लस साइक्लिक कंजुगेशन भी है, तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होता है अकॉर्डिंग टू द हकल रूल। तो बेंजीन के पास देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये साइक्लिक कंजुगेशन हो गई, क्योंकि जो कंजुगेशन है अल्टरनेटिवली जो प्रेजेंट है डबल सिंगल बॉन्ड, ये रिंग के अंदर है, सो इट हैज द साइक्लिक कंजुगेशन, प्लस इट हैज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों कंडीशन पूरी, तो बेंजीन एरोमेटिक है। तो अब ये दिखाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि कोई भी एक एच आपका हटेगा यहाँ पे और कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे लग सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, तो कोई भी एक डबल बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, साइक्लिक कंजुगेशन लॉस्ट हो जाएगी, तो फिर ये कंपाउंड इसलिए एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता अंडर द नॉर्मल कंडीशन। वो विग्रस कंडीशन होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, तब जाके बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करेगा। तो जो बेंजीन है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, इस वजह से जो मैंने बताया वो पांच बेसिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, पांच बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कौन कौन सी है? वो रिएक्शन आपकी नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। दीज आर दी फाइव बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच आर शोन बाय एनी ऑफ द कंपाउंड हैविंग द बेंजीन रिंग। जैसे ये एनिलीन है, इसके अंदर भी बेंजीन रिंग है, तो ये भी दिखाएगा वही पांच रिएक्शन, लेकिन किस एक्सटेंट तक दिखाएगा वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन टुडे हमारा जो लेक्चर है वो होगा अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक एमीन। तो सबसे पहले हमने बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर हमने पहली रिएक्शन की हेलोजिनेशन रिएक्शन की हमने। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन से क्या होगा, बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर एक एच है, कोई भी एक एच रिप्लेस होगा और वहां पे क्या लग जाएगा आपका सीएल, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन गया। तो ये बना देखो कैसे, यहाँ पे जो मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता, तो सीएल सीएल के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, जो एल सीएल थ्री है, ये ग्रुप 13 का कंपाउंड है, ग्रुप 13 के आखिर में 3 है, तो 3 बॉन्ड बनाता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इनकी वैलेंस शेल में, प्लस में एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है इस टाइप से, सो इट इज ए लेविस एसिड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। आपका ये लेविस एसिड का काम करता है, AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है व्हाई AlCl3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट ऑक्टेट इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए AlCl3 के पास
के अंदर जो एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ताकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट मीन्स एल्यूमिनियम के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अभी 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं आपको AlCl3 में Al के चारों तरफ, तो इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। इसीलिए तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ देखो ये Cl विद बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ये Cl इसके पास जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए इसको AlCl3 को आप हेलोजन कैरियर भी कहते हैं, क्योंकि ये किसको अपने साथ लेके जाएगा, Cl नेगेटिव को अपने साथ लेके चला जाता है। तो यहाँ पे देखो साइड प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, AlCl3 था तो ये बन गया AlCl4, और नेगेटिव चार्ज बताओ किस पे आएगा, क्योंकि जो Cl है इसने जो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लीवेज हुआ है यहाँ पे ClCl का, तो एक जो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके किसको डोनेट की है, एल्यूमिनियम को, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा एल्यूमिनियम के ऊपर। प्लस में दूसरी स्पीसी बोलो यहाँ पे कौन बनी, ये Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन बना। यही तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक कर देगा बोलो किस चीज के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, और ये रिएक्शन चलती है, मैकेनिज्म पहले आपको बताया जा चुका है फर्दर। तो बेंजीन को पहले हमने किस में कन्वर्ट किया, क्लोरोबेंजीन के अंदर बाय द हैलोजिनेशन रिएक्शन बाय द क्लोरीनेशन रिएक्शन। ये आप जरूर ध्यान रखना, बेंजीन के अंदर आप सिंपल क्लोरीनेशन ना करें। देखो इस टाइप से कभी आप ये कर दें कि Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर आप ऐसा कर देंगे तो प्रोडक्ट आपका कोई दूसरा बन जाएगा। देखो जो होमोलाइटिक फ्यूजन होगा बेंजीन के अंदर जितने भी डबल बॉन्ड है वो सारे देखो इस टाइप से क्लीव हो गए, देखो ये डबल बॉन्ड टूटा यहाँ पे एंड सो ऑन, इस टाइप से हर कार्बन के पास फ्री रेडिकल आ गया। ऐसे जो Cl के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक फ्यूजन होके Cl फ्री रेडिकल बनेंगे, और इस टाइप से ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाएगा। तो इसलिए आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, कभी आप एग्जाम में जल्दबाजी में आप Cl2 ऑब्लिक में लाइट ना लिख दें तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप रिएजेंट डालें आप कौन सा रिएजेंट डालेंगे, आप डालेंगे Cl2 ऑब्लिक में AlCl3 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस ही क्यों लेते हैं, एनहाइड्रस इसलिए भी लेते हैं क्योंकि जो अगर आपने हाइड्रेटेड ले लेते तो उसी टाइप से देखो अगर वाटर आप ले लें, वाटर के अंदर देखो दो पार्ट है, एक H पॉजिटिव दूसरा OH नेगेटिव, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ से जब रिएक्शन चलेगी, आपका जो Cl तो किसके साथ निकल जाएंगे, H पॉजिटिव के साथ, तो HCl साइड प्रोडक्ट, और यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पे तो जो आपकी रिएक्शन जो चलती है इसीलिए आपको इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही होगा। तो आपके क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन के बाद अब हम क्या करें, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट रिएक्शन अब हम करेंगे, देखो हमने क्या डाला इसमें, अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एट अ टेम्परेचर ऑफ 475 केल्विन एंड द प्रेशर ऑफ 60 एटमॉस्फेयर, तब जाके आपका Cl की रिप्लेसमेंट होगी और NH2 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि ये इजी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग मैंने अभी आपको बताया वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और ये जो रिएक्शन है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, देखो Cl हटेगा और बाहर से बोलो देखो अटैक कौन कर रहा है यहाँ पे NH2 का, अगर हम इन्हें शॉर्ट वे से आपको बताएं तो देखो NH2 नेगेटिव ने मान लीजिए अटैक किया, और कौन निकल गया यहाँ से, Cl नेगेटिव, तो किसने अटैक किया, NH2 नेगेटिव ने, लेकिन जो बेंजीन रिंग है इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होती है, इट इज द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो ये बेंजीन रिंग और जो इनकमिंग जो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीसी को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इसके बीच में बोलो क्या हो जाएगी यहाँ पे, रिपल्शन। तो जब रिपल्शन हो जाएगी यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो रिएक्शन इजिली नहीं होगी, तो इसलिए तो वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैटलिस्ट, और प्लस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, जैसे हाई टेम्परेचर हमने लिखा, हाई प्रेशर लिखा, तब जाके ये रिएक्शन होती है, बिकॉज इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इस टाइप से हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बोलो, एनिलीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पाथ दूसरा भी हो सकता, आपने पहले भी पढ़ा है आपके एल्काइल हैलाइड वाला, देखो जो पार्ट नंबर आपका 5 था उसके अंदर हमने ये चीची वेबिन रिएक्शन पढ़ी थी, तो उसमें आप क्या डालेंगे, KNH2 ओब्लिक में NH3 इन लिक्विड फॉर्म आप डाल देते हैं, ये चीची वेबिन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म था, मैंने देखो टॉप के ऊपर लिखा है आपके लिए कि लेक्चर नंबर 5 है एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, उसको आप कंप्लीट देखना, वहां पे खुद विद मैकेनिज्म इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहां पे आप इस चीज को कंप्लीट रीड आउट करें, याद करें, क्योंकि ये एज सच आपके सिलेबस के अंदर है, तो वहां पे फुल एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ चीची वेबिन रिएक्शन।
तो अगर हम चीची बेबिन रिएक्शन भी करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर देखो के पॉजिटिव है और ये एनएच टू देखो उसी टाइप से बोलो क्या है, नेगेटिव है। और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस के अंदर कैसे चली ये रिएक्शन, तो यहाँ सीएल का रिप्लेसमेंट हुआ किसके द्वारा, एनएच टू के द्वारा। तो क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने देखा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द बेंजीन इनटू एनिलीन, हाउ कैन यू कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन इनटू एनिलीन। इसके बाद जो बेंजीन है इसको आप किस और कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ध्यान रखिए अपने दिमाग के अंदर वही पांच बेसिक रिएक्शन कौन सी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। अब सीएल तो आपने लगा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजिनेशन करके, और कौन सी रिएक्शन आप कर सकते हैं, आप नाइट्रेशन भी तो कर सकते हैं। तो आपने कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला जिसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर से जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होता है वो बोलो कौन होता है, दैट इज द नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो यही तो अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और फिर जाके आपके बेंजीन रिंग से H की रिप्लेसमेंट होके कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NO2। वो कंप्लीट मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो नाइट्रोबेंजीन बन के आप दोनों में एक ही डिफरेंस कि हमने पहले ही पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एमीन्स के दौरान के किस तरह से NO2 ग्रुप को हटा के NH2 लगाया जा सकता है। सिंपल डिफरेंस आपको दिख रहा है NO2 में O है, एनिलीन जो कंपाउंड हमें प्रिपेयर करना है उसके अंदर H है, मीन्स लॉस ऑफ H एटम करना है और एडिशन ऑफ H एटम करना है, तो उसे क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड रिडक्शन। तो आप रिडक्शन करेंगे यहाँ पे देखो H2NI के साथ कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप यूज कर सकते हैं। तो इस स्टेप से आप नाइट्रोबेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, एनिलीन के अंदर। नेक्स्ट अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड हो तो फिर क्या करें, देखो सिंपल वही चीज, तो बेंजोइक एसिड आपके पास है तो बेंजोइक एसिड को आप सीधा बेंजीन में कन्वर्ट कर दें। एरीन्स की प्रिपरेशन के दौरान हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में कि बेंजोइक एसिड को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड में बेंजीन के ऊपर एसिड ग्रुप है CH, तो उस ग्रुप को हटाने के लिए हमने क्या डाला, उसके अंदर हमने डाला बेस। क्या डाला हमने, देखो इस स्टेप से बेस स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं पहले हम आपको, फिर डायरेक्ट हम वो रिएजेंट डालेंगे। देखो CO नेगेटिव H पॉजिटिव है यहाँ पे, अगर आपने इसके अंदर डाल दिया देखो NaOH, देखो इस स्टेप से तो क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा OH नेगेटिव, तो वाटर लॉस होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, देखो ऐसे तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। देखो ये बेंजीन के ऊपर बोलो कौन सा ग्रुप हमने लगा दिया, सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। फिर हम इसमें दोबारा डालेंगे देखो इस टाइप से NaOH, अब साइड प्रोडक्ट देखो क्या निकल जाएगा, देखो ये निकल गया आपका साइड प्रोडक्ट Na2CO3, बोलो क्या निकल जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस में H बच गया वो बेंजीन रिंग के ऊपर जा लगा। तो इस टाइप से क्या हुआ आपका बेंजीन, तो आपने बेंजीन बन गया आपका। तो बेंजोइक एसिड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंजीन के अंदर क्या डाल के NaOH ओब्लिक में CaO भी डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, ये फ्यूजन का काम करवाता है जो NaOH और ताकि बेंजोइक एसिड के बीच में इजीली रिएक्शन हो जाए, तो ये फ्यूजन का काम करवाता है आपस में, इनको इंटरमिक्स करवाने का काम करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब यहाँ पे साथ के साथ वाटर तो हम डालते ही हैं फिर, तो जिसकी वजह से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो एनर्जी भी मिल जाती है उससे। तो ये कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है। तो एक स्टेप में हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखो बेंजोइक एसिड को जो बेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो आप एक ही स्टेप में डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम में, तो देखो ऐसे NaOH ओब्लिक में CO हीट कर दिया आपने। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप चाहे बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो चाहे सिंपल किसी एल्काइल ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट हो जैसे पहले आपको बताया था, तो आप क्या करें, आप NaOH ओब्लिक में CO डालें, CO डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये, बोलो कैसी रिएक्शन है, अगर देखो डायरेक्ट यहाँ पे देखें इट इज ए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये CO2 निकल गई यहाँ से, H बच गया, तो आपके बेंजीन रिंग बन गया। और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको भी बता ही दिया कि कैसे ये रिएक्शन चलती है। सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि बेंजोइक एसिड के अंदर आप अमोनिया डाल दें, अमोनिया डालेंगे तो क्या होगा, देखो OH ग्रुप यहाँ से हटेगा, OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट होगी विद NH2 ग्रुप, विद NH2 ग्रुप, क्योंकि जो अमोनिया है अमोनिया के अंदर से बोलो क्या, यहाँ से अमोनिया का एक H आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, तो क्या लॉस हुआ बोलो वाटर, तो वाटर लॉस होगा NH2 ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे, तो बेंच एमाइड विल बी द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बोलो कौन बन गया बेंच एमाइड। अब एनिलीन तक हमें पहुंचना है तो आप क्या करें, आप इसके अंदर करेंगे डी कार्बोनाइलेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन करेंगे आप, डी कार्बोनाइलेशन रिएक्शन, बोलो उसके अंदर हम क्या करते थे, तो एमाइड हमारे पास है तो आप इसमें डालते थे Br2 ओब्लिक में KOH, ये आपने एलिफेटिक एमीन्स की प्रिपरेशन के दौरान भी देखा था, वहां पे भी हमने आपको बताया था ये कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द बेंजामाइड इनटू एनिलीन, दैट इज द होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन। तो देखो Br2 ओब्लिक KOH आपने डाला, डी कार्बोनाइलेशन रिएक्शन हो जाती है,
तो CO ग्रुप हट जाएगा, NH2 ग्रुप आपका बच गया, तो आपका एनिलीन बन गया। लेकिन आप कभी भी गलती ये ना करें कि सर रिडक्शन कर देते हैं इसमें। रिडक्शन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन करने से जो सी और ओ के बीच में जो डबल बॉन्ड है, सी और ओ के बीच में जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो रिडक्शन होगी इस टाइप से। एच देखो टू ऊपर लग गए और टू एच नीचे लग जाएंगे, रिडक्शन करेंगे साइड प्रोडक्ट वाटर, तो यहाँ पे बेंजाइलेमीन बन जाएगा, आपका एनिलीन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखें। लेकिन है ये भी बोलो कौन, आपका एक एरोमेटिक एमीन है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये आपका बेंजाइलेमीन है। बोलो कौन है आपका बेंजाइलेमीन। तो देखो ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में की जा सकती हैं, इसलिए आप इन चीजों को ध्यान रखें। जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप डाल दें, आप कहें कि हम रिडक्शन कर देते हैं, तो अगर आप बेंजामाइड की रिडक्शन कर देंगे तो एनिलीन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, बेंजाइल एमीन। ये आप जरूर ध्यान रखें कभी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एग्जाम में लिख दें। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम रिएक्टेंट ले लेते हैं, हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। अब हम बेंजल्डिहाइड को कैसे कन्वर्ट करें, तो आप सिंपल ऑक्सीडेशन कर देंगे बेंजल्डिहाइड का। ऑक्सीडेशन अगर आप करेंगे, देखो एल्डिहाइड के चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि बेंजल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और एच के बीच में जो बॉन्ड होता है, इट इज ए वीक बॉन्ड, ये एक वीक बॉन्ड है। तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से भी हो सकता है, इस CH बॉन्ड का ऑक्सीडेशन। तो इसलिए अगर हम स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो भी हो ही जाएगा। तो हमने ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हमने यहाँ पे, ये हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे कंसेंट्रेटेड H2SO4। हमने सिंपल क्या डाला, कंसेंट्रेटेड HNO3 हमने डाला, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है कंसेंट्रेटेड HNO3। या आप दूसरे एजेंट भी डाल देते हैं लाइक फेलिक्स सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी CHO ग्रुप जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो C और H के बीच में ऑक्सीजन एंटर करेगी, यहाँ पे देखो ऐसे ऑक्सीडेशन होगा इस बॉन्ड का, इजिली ब्रेक हो सकता है, वीक बॉन्ड है ये आपका। तो इस तरह से आपने देखा क्या बन गया, आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड को पहले आपने किसमें कन्वर्ट किया, बेंजोइक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन करके, और बेंजोइक एसिड को फर्दर आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं एनिलीन के अंदर। वो डिफरेंट बात है, या तो बेंजोइक एसिड को देखो बेंजीन में कन्वर्ट करें, या बेंजोइक एसिड को बेंजामाइड में कन्वर्ट करें फॉलोड बाय द होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये आपने देखा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द बेंजल्डिहाइड इनटू द एनिलीन, बेंजल्डिहाइड को एनिलीन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार देखो गलती हम क्या कर देते हैं, देखो वो और बता दे, मान लीजिए हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, हमने सोचा कि एलिफेटिक एमीन्स में जैसे हमने रिएक्शन बताई थी वैसे कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसमें डाल दिया अमोनिया, अमोनिया के साथ हमने रिएक्शन की, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन की तो देखो क्या हुआ, जो अमोनिया था उसमें बोलो क्या है, यहाँ पे NH3 देखो, मान लीजिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने, ये नाइट्रोजन पे देखो लॉन्ग पे, तो ये कार्बोनिल ग्रुप के बोलो यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, यहाँ से O हट जाए, यहाँ से 2H निकल जाए, तो कोई वाटर लॉस होगा, यहाँ से क्या लॉस होगा बोलो, यहाँ से वाटर, अब वाटर लिख देंगे यहाँ पे HCl की जगह, तो साइड प्रोडक्ट वाटर, तो क्या हुआ, कार्बन और नाइट्रोजन के दो दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच देखो डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच बोलो क्या बन गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड इमीन्स बन गए, साइड प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर इमीन्स बन गए। अब अगर हम इसकी रिडक्शन कर दें, रिडक्शन, तो एक एच इधर लगेगा, एक एच इधर, बोलो क्या बन जाएंगे आपके, बेंजाइलेमीन बनेगा, ये ध्यान रखिए। रिडक्शन हमने कर दी सोडियम इथेनॉल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के, तो आपके बेंजाइलेमीन बनेगा, जैसे मैंने पहले आपको बेंजामाइड के केस में बताया था कि बेंजामाइड की अगर आप रिडक्शन कर देंगे तो क्या बनेगा, बेंजाइलेमीन। देखो इसके अंदर भी वही चीज हमने बताई थी, विद द सेम रिएजेंट्स अगर हम यही डालते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या बनेगा, बेंजाइलेमीन, ना कि आपका एनिलीन, एनिलीन नहीं बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली अगर हम इसमें हाइड्रोक्सिलेमीन डाल दें, तो हाइड्रोक्सिलेमीन डालेंगे तो भी क्या होगा, देखो हाइड्रोक्सिलेमीन में का फॉर्मूला क्या है, NH2OH, तो NH2 के देखो दो H, और उसी टाइप से यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप से देखो ऑक्सीजन बोलो क्या लॉस हुआ, उसी टाइप से वाटर, तो कार्बन और नाइट्रोजन के दोनों के दो दो बॉन्ड ब्रेक हुए, तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कार्बन नाइट्रोजन के बीच ही, तो डबल बॉन्ड बन गया देखो इस टाइप से, तो ये ऑक्साइड्स बन गए। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑक्सीम्स बन गए आपके, तो इसके अंदर हमने अगर रिडक्शन की उसी टाइप से, एक बार रिडक्शन हम करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा जब रिडक्शन करेंगे, इधर भी एच लगा, देखो इधर भी एच आपका लग जाएगा, देखो इस टाइप से। अब उसके बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इधर भी एच लग गया, इधर भी एच,
बोलो साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगी, वाटर। क्या निकल गया बोलो यहाँ से, वाटर क्या बने उसी टाइप से, बेंजाइल भी अगर हम इसकी भी रिडक्शन कर देंगे तो, ऑक्साइम्स की भी अगर रिडक्शन करते हैं उसी टाइप से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से, तो क्या बनेगा, बेंजाइल भी। तो अब ये स्मॉल मिस्टेक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको सिर्फ रिएजेंट का फंक्शन ही ध्यान नहीं रखना है, ये भी देखना है कि आपका रिएक्टेंट कौन है, किसकी रिडक्शन आप करने जा रहे हैं। आप जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि बेंजाल्डिहाइड के अंदर आप अमोनिया डाल के मीन्स या हाइड्रोक्सिलेमीन डाल के ऑक्साइम बना के फिर उसकी रिडक्शन कर दे तो एनिलीन बना दे, आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बेंजाइलेमीन बन जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए हाउ कैन यू प्रिपेयर द एनिलीन या कन्वर्ट बेंजाल्डिहाइड इनटू एनिलीन, तो आप ये डिफरेंट रूट ना अपना लें, आप जरूर देखें कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अक्सर ये गलतियां एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर जब बच्चे सोल्व करते हैं तो उनके आंसर की कॉपी के अंदर ऐसी गलतियां पाई जाती हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट देखो, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, नेम रिएक्शन जो थी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। तो ये थैलीमाइड की स्ट्रक्चर है, ये आपको एलिफेटिक एमीन्स के दौरान बताई थी। ये थैलिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन से बनता है ये आपका, जैसे हमने पहले बताया था। देखो फिर से आपको याद दिला दें अगर आप भूल गए हो तो, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप एक सी एच ग्रुप लगा दें तो आप इसे क्या कहते हैं, दैट इज द बेंजोइक एसिड। अगर एक और सी एच ग्रुप लगा दें तो नाउ इट इज कॉल्ड थैलिक एसिड। और अगर इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ देखो इस टाइप से कर देते हैं तो क्या लॉस होता है, देखो यहाँ से ये वाटर और ये वाटर, वाटर लॉस होने के बाद कार्बोनिल ग्रुप का नया बॉन्ड किससे बनेगा, नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ इधर से एक इधर से, नाइट्रोजन के दो बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। कार्बोनिल ग्रुप का देखो एक बॉन्ड ऊपर वाले कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन का, एक नीचे वाले कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन का बॉन्ड का पैकेज हुआ, तो वैलेंसी कंप्लीट तो होगी, मीन्स ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, उसी को तो रिएक्शन कहते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन से अब जो देखो स्पीसी बनी यहाँ पे वो कौन बनी, वो कोई और नहीं, वो वही तो है जो हमने रिएक्टेंट लिख रखा है, दैट इज कौन, थैलीमाइड। बोलो कौन है आपका, थैलीमाइड। देखो ये वही तो स्ट्रक्चर है, देखो न्यू बॉन्ड अगर हम फॉर्म कर दें, ये थैलीमाइड की स्ट्रक्चर है। थैलीमाइड लिया, इसके अंदर देखो अब हम बेस डालते हैं आगे, जो जो बेस हमने डाला, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच जो हाइड्रोजन है उसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा ओ एच नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन इज समथिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना की ऑक्सीजन और फ्लोरिन होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये स्पीसीज बनी, एन नेगेटिव हो गया, के पॉजिटिव साइड प्रोडक्ट आपका वाटर बन गया। अब ये पूरी जो स्पीसी बनी जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान से देखें प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है हमें एनिलीन, तो एन नाइट्रोजन के ऊपर कौन अटैच करना है, बेंजीन, तो एल्काइल हैलाइड हम कैसा लेंगे, एल्काइल नहीं, अब की बार हमें एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा क्योंकि बेंजीन रिंग है, तो हमने क्लोरोबेंजीन लिया। लेकिन अब आगे रिएक्शन नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, देखो वही रीजन के यहाँ पे बेंजीन के ऊपर कौन अटैच है, Cl, तो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द Cl इन रेजोनेंस, तो यहाँ पे कार्बन, बेंजीन वाले कार्बन और C के बीच में बोलो क्या आ जाएगा, देयर बिकम्स द डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। और फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने के लिए आएगा इस कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर बोलो क्या होगा, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, लेकिन अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है कार्बन और सीएल के बीच, लाइक इन केस ऑफ द एल्काइल हैलाइड। मान लीजिए कोई एल्काइल हैलाइड होता, मान लीजिए हमने लिख दिया CH3Cl, तो देखो यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे स्लाइट नेगेटिव, तो अब ये अटैक हो सकता है। देखो ऐसे आराम से ये Cl, देखो सिंगल बॉन्ड है, ये इजीली लीविंग ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से, Cl नेगेटिव और नाइट्रोजन का बॉन्ड CH3 के साथ यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो बेंजीन वाले कार्बन के साथ यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगी due to the presence of the double bond in between the C and Cl. Double bond kyun aaya, due to the involvement of the lone pair electrons of the chlorine atom in resonance, there becomes the double bond character in between the C and the Cl. कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इसलिए अब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो देखो मान लीजिए ये जो हम बता रहे हैं इसके ऊपर, देखो जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था, ये अटैक करता तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो Cl है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देखो अपने साथ लेके इधर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं चलेगी। जैसे मैंने आपको बताया ये रिएक्शन नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। किस वजह से आ गया, देखो ये जो मैंने अभी हटाया, देखो दोबारा मैंने लगा दिया, ये क्या हुआ, ये हम रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस, जैसे मैंने लोन पेयर अभी आते हुए दिखाया बेंजीन रिंग की तरफ, ये ब्लू कलर से दिखाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने से जब वो अटैक करेगा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो आपका,
तो वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, इट मीन्स नॉट फॉर्म्ड। ये आगे जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था ये बनेगा ही नहीं। अब नहीं बनेगा तो आगे आपका एनिलीन भी नहीं बनेगा, मीन्स आपकी जो गैब्रियल थैलीमाइड जो रिएक्शन है, ये गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, इसकी हेल्प से आप एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इतना डायग्राम भी बनाएंगे और जिस स्टेज के ऊपर हमने लिखा वो बातें भी आप लिख देंगे कि ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्लोरीन इन रेजोनेंस देयर बिकम्स अ डबल बॉन्ड कनेक्टेड बिटवीन द सी एंड सी एल सो विच कैन नॉट बी ब्रेक इजिली, जो आराम से टूट नहीं सकता, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है उसके नीचे आप न्यूक्लियोफाइल लिख देंगे, जो ये जो स्पीसीज है, सो द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक इजिली ऑन द बेंजीनिंग कार्बन एटम, सो दैट रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी, और नहीं होगी तो आगे फर्दर आप एनिलीन की प्रिपरेशन भी नहीं हो सकती। इट मीन्स हम गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन की हेल्प से एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और रिएक्शंस जिससे हम एनिलीन या आपके और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो अगर हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है कोई भी, ये हमने पीछे पढ़ भी लिया था, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, इसमें हम क्या करें, हमने कहा था हम रिडक्शन कर सकते हैं, कैटेलिटिक रिडक्शन। अब रिडक्शन कई तरह की होंगी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करें अबाउट द कैटेलिटिक रिडक्शन, मीन्स कैटलिस्ट है यहाँ पे निकिल या प्लेटिनम या प्लेडियम। तो हाइड्रोजनेशन की हमने, देखो एक चीज हम बता दें, वैसे एक दूसरे की जगह हम वर्डों को यूज करते रहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी लिख दिया कैटेलिटिक रिडक्शन, इन एक्चुअल होता क्या है, इफ यू ऐड द H2 गैस, H2 एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन एंड द एडिशन ऑफ H एटम इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। तो ये अगर आपसे कोई डिफ्रेंसिएट करवाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन और द हाइड्रोजनेशन, तो आप इस टाइप से जरूर बता दें, एडिशन ऑफ H एटम इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ये चीजें आप ध्यान रखें, जैसे ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ O2 इज कॉल्ड कम्बस्चन, जैसे हम सांस लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हमारे फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, हम बोलते हैं फूड का ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन एडिशन ऑफ O2 कहीं भी किसी रिएक्शन में डायरेक्टली हम O2 लिख देते हैं, दिस रिएक्टेंट प्लस O2 वो कम्बस्चन है। अगर O लिख देते हैं O, जैसे KNO4 आपने डाला एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 डाला एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके, वो प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा उसके दौरान, तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। वैसे जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम देखो हमने भी लिखा है जैसे कैटेलिटिक रिडक्शन हर बुक में ऐसे लिखते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना हमें आना चाहिए। सो द नाइट्रो कंपाउंड ऑन कैटेलिटिक रिडक्शन विद H2NI या H2PT या प्लेडियम गिव्स द आपके कंपाउंड, बोलो कौन दे देंगे आपके एमीन्स बन जाएंगे, बोलो कौन, नाइट्रोबेंजीन। देखो ये नाइट्रोबेंजीन आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो एनिलीन के अंदर, रिडक्शन हो गई, तो आपका क्या हुआ, रिप्लेसमेंट ऑफ OYH, तो मींस लॉस ऑफ H एटम हुआ, एडिशन ऑफ H एटम हुआ, तो क्या बन गया आपका, एनिलीन बन गया, ये कैटेलिटिक रिडक्शन। अगर हम रिडक्शन करें विद द हेल्प ऑफ मेटल हाइड्राइड्स लाइक इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप डाल दें नाइट्रोबेंजीन के अंदर, लेकिन इसकी भी डिफरेंट कंडीशन है, यहाँ पे हमें एजो बेंजीन भी मिल जाता है, अगर नाइट्रोबेंजीन के अंदर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते तो अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हमें क्या भी मिल सकता है, हमें एजो बेंजीन भी आ गया, हम आपको बताएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में डालना है, माइल्ड कंडीशन में डालना है, किस मोलर रेशियो के अंदर डालना है। तो लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने डाला और क्या बन गया आपका, एनिलीन। नेक्स्ट अगर एसिडिक मीडियम के अंदर हम रिडक्शन करें लाइक मेटल ओब्लिक में HCl, मेटल लाइक जैसे जिंक ओब्लिक HCl, आयरन ओब्लिक HCl, टिन ओब्लिक HCl, जब इनके बीच में देखो रिएक्शन चलती है जैसे जिंक HCl के बीच चली, तो बोलो क्या बन गया यहाँ पे, ZnCl2 प्लस क्या प्रोड्यूस हुए, बोलो आपके H, देखो नेसेंट हाइड्रोजन। देखो जो इस टाइप से H प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है इन C2 जो लिखा मिलता है कई बार, तो इन C2 का मतलब क्या होता है कि वो चीज रिएक्शन के दौरान बनी है, इन द रिएक्शन मिक्सचर वो चीज बनी है, तो उसे इन C2 वर्ड यूज किया जाता है, आई एन इन SITU C2, विद इन द रिएक्शन मिक्सचर वो चीज आपकी प्रिपेयर हुई है। ऐसे ही आयरन ओब्लिक HCl ले लो, टिन ओब्लिक HCl जो आप डालते हैं तो उससे H प्रोड्यूस होता है, तो मींस रिडक्शन होगी यहाँ पे, देखो और आपका क्या बन गया, बोलो एनिलीन, बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एनिलीन। अब ये जो रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, देखो ये इन एक्चुअल इन केसेस में देखो स्ट्रक्चर आपके सामने बना दें, देखो ये नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर थी, नाइट्रोजन तो देखो तीन ही बॉन्ड बनाता है, ये आप देखो पहले से जानते हैं, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, नाइट्रोजन के पास बोलो क्या होता है, एक लोन पेयर,
लोन पेयर की हेल्प से ऑक्सीजन के साथ देखो ऐसे बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। या तो आप एरो शो करते हैं यहाँ पे देखो इस टाइप से एरो, या एरो शो नहीं करते तो आप कैसे शो कर सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें। एरो शो नहीं करते तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल बॉन्ड दिखाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन डोनर था तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। आप नाइट्रोबेंजीन की जब भी ऐसे ओपन फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाए, या तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करेंगे नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में, या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था, उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं। अब हमने की यहाँ पे देखो रिडक्शन, रिडक्शन की तो क्या हुआ, देखो पहले ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ देखो यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो ये ऑक्सीजन है तो इसकी तरफ बोलो क्या जाएंगे, बॉन्ड के क्लीवेज जाएंगे। तो यहाँ पे आपके एच, तो बोलो क्या निकलेगा यहाँ से, वाटर। देखो ऐसे वाटर, ऐसे दूसरा जो ऑक्सीजन है वहां से भी जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा वहां पे भी क्या ऐड होंगे, बोलो उधर एच, और नीचे क्या ऐड होंगे नाइट्रोजन की तरफ वहां पे भी एच। तो बोलो क्या बन गया, एनएच टू, एनिलीन बन गया। प्लस साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकले आपके, वाटर। साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है यहाँ पे, वाटर निकलता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना के आप आराम से ऐसे देख सकते हैं कि जब रिडक्शन होती है तो किस तरह से हमारा एनिलीन बनता है। आपको स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन भी बताएंगे, जो मैंने ब्रेक करके दिखाए बॉन्ड, स्टेप बाय स्टेप भी आपको याद रखनी चाहिए। आगे हम देखेंगे जब हमारे प्रोडक्ट बनेंगे उस स्टेप से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम। तो अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक देखो रिडक्शन करते हैं तो उसके दौरान भी हमारा प्रोडक्ट वालों क्या बन जाता है, एनिलीन। तो मीन्स चाहे आप कैटलिटिक रिडक्शन करें, आप रिडक्शन करें मेटल हाइड्राइड्स के साथ, या रिडक्शन करें एसिडिक मीडियम के अंदर मेटल प्लस HCl डाल के, या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करें इन वीकली एसिडिक मीडियम, तो आपका नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन के अंदर। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करें इन हाईली एसिडिक मीडियम तो देखो क्या होगा, तो उसमें देखो आप ध्यान से देखें, ये नाइट्रोबेंजीन हमने लिया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में, तो आपके क्या बने, ये हाइड्रोक्सिलेमीन है। बोलो कौन है आपके, हाइड्रोक्सिलेमीन। कैसे बने, जैसे देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो फिर से मैं बता दूं, देखो स्टार्टिंग में रिडक्शन देखो इस पोर्शन के हुई, देखो ऐसे देखो इधर एच लगा, इधर भी एच, क्लियर हो गया, इधर भी एच, बोलो क्या निकल गया इधर से, तो देखो ये वाटर लॉस हो गया। उसके बाद फर्दर जब रिडक्शन चली, पार्शियल रिडक्शन हुई है देखो यहाँ तक, नाइट्रोजन के ऊपर देखो यहाँ पे एक एच तो लग ही चुका है, अब ओ के ऊपर देखो एच लग गया, तो क्या बन गया, एन एच ओ एच। बोलो कौन सा ग्रुप लग गया, ये एन एच ओ एच। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में तो ऐसे हाइड्रोक्सिलेमीन बन जाते हैं। ये हाइड्रोक्सिलेमीन फर्दर अंडरगो रीअरेंजमेंट कैसे, जो ओ एच ग्रुप है इसकी शिफ्टिंग कहाँ पे होगी, बोलो यहाँ पे पैरा पोजिशन के ऊपर, और एच की शिफ्टिंग वहां पे हो जाएगी, तो आपका क्या बन जाएगा, एन वहां से OH नीचे आ गया तो फिनोलिक ग्रुप, और H ऊपर चला गया एमिनो ग्रुप। तो इस टाइप से ये रीअरेंजमेंट हुई यहाँ पे, और रीअरेंजमेंट से बोलो आपका प्रोडक्ट क्या बना, पैरा एमिनो फिनोल आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक जब भी हम रिडक्शन करते हैं हाईली एसिडिक मीडियम, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है वो क्या बनता है, पैरा एमिनो फिनोल। तो एग्जाम में अगर आ जाए कन्वर्जन, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू पैरा एमिनो फिनोल, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस टाइप से ये रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम। पहले हाइड्रोक्सिलेमीन बनते हैं, पहले कौन बने, हाइड्रोक्सिलेमीन एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपके बनते हैं। उसके बाद उसके दे अंडरगो द रीअरेंजमेंट टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज द पैरा एमिनो फिनोल। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन, जैसे कई बार सिलेक्टिव रिडक्शन आ जाता है, मान लीजिए मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन आपको दे दिया और फिर इसके अंदर ये कहा गया कन्वर्ट इट इनटू द मेटा नाइट्रो एनिलीन, मींस जो दो NO2 ग्रुप है इन दोनों में से किसी एक की रिडक्शन हो जाए तो उसे सिलेक्टिव रिडक्शन कहते हैं। आउट ऑफ द टू वन ऑफ द NO2 ग्रुप गेट रिड्यूस्ड, अदर वन रिमेन अनअफेक्टेड, दूसरा अनअफेक्टेड रहे। तो क्या करें, कौन सा रिएजेंट हम डालें, तो उस वक्त ये दो रिएजेंट है जो आप यूज कर सकते हैं, अमोनियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड आप इनको यूज करते हैं। ये दोनों के दोनों रिएजेंट, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको दोनों ही यूज करने इकट्ठे, नो, दोनों में से कोई एक रिएजेंट आप डाल दें, अमोनियम पॉलीसल्फाइड डाल दें, सोडियम पॉलीसल्फाइड डाल दें, या सोडियम सल्फाइड अमोनियम सल्फाइड डाल दें, देखो इज द सिलेक्टिव रिडक्शन, वन ऑफ द NO2 ग्रुप गेट रिड्यूस्ड इनटू द NH2 ग्रुप, और प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या बन गया आपका, मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो ये रिएक्शन भी काफी बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन इन द न्यूट्रल मीडियम। तो देखो हमने क्या किया, ये नाइट्रोबेंजीन, उसके अंदर हमने क्या डाला, जिंक ऑब्लिक में अमोनियम क्लोराइड न्यूट्रल मीडियम हमने रखा, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, नाइट्रोसोबेंजीन। देखो ये कैसे बना, ध्यान से देखना दोबारा से, जो नाइट्रोबेंजीन की जो स्ट्रक्चर है, देखो हमने जब इसकी रिडक्शन की, देखो
तो यहाँ पे बोलो कौन लगे इस साइड में आपके एच, तो कौन निकल गया बोलो यहाँ से, वाटर, कोई वाटर निकल गया, तो जो ग्रुप बच गया कौन बच गया, एन डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोसो बेंजीन कहते हैं, नाइट्रोसो ग्रुप है ये, एन डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज द नाइट्रोसो ग्रुप, सो द प्रोडक्ट हेयर इज द नाइट्रोसो बेंजीन, देखो नाइट्रोसो बेंजीन आपका बन गया। अगर हम फर्दर रिडक्शन करते हैं, देखो इसकी फर्दर रिडक्शन अगर हम कर दें, देखो स्टेप बाय स्टेप, तो देखो क्या होगा, मान लीजिए एक ही बॉन्ड ब्रेक हो जाए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक एच, ऑक्सीजन के ऊपर एक एच, तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिलेमीन। देखो फर्दर रिडक्शन चली न्यूट्रल मीडियम में, फर्दर रिडक्शन चलती है, रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं, ये तो इंटरमीडिएट बना था बीच में नाइट्रोसो बेंजीन, फर्दर रिडक्शन चली तो क्या बने आपके, बन गए हाइड्रोक्सिलेमीन, बोलो कौन बन गए, हाइड्रोक्सिलेमीन। तो जब हम नाइट्रो कंपाउंड की जब हम रिडक्शन करते हैं, तो इनिशियली कौन बना, नाइट्रोसो बेंजीन बन गया, और उसके बाद फर्दर रिडक्शन चलती रही तो कौन बन गया आपके, हाइड्रोक्सिलेमीन आपके बन गए। अब जो हाइड्रोक्सिलेमीन जो हमने लिया, अगर हम इसकी फर्दर रिडक्शन कर दें मेटल ऑब्लिक एचसीएल, तो हमें पता है फाइनल प्रोडक्ट आपके एमीन्स बनने होते हैं। तो देखो फर्दर, देखो इस टाइप से इसकी रिडक्शन चलेगी, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर भी एच और इधर ऑक्सीजन के ऊपर भी एच, तो क्या बना, साइड प्रोडक्ट वाटर, तो एनिलीन बन जाते हैं, बोलो कौन बन गए आपके, जैसे एनिलीन आपके बन गए, मेटल ऑब्लिक में एचसीएल डाला तो क्या बन गए, एनिलीन। एनिलीन क्या है, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से देखो यहाँ पे अटैच है, देखो एक ही कार्बन से, तो इट इज ए प्राइमरी एमीन, क्या है बोलो, ये प्राइमरी एमीन है, तो वो हम पहले आपको सिखा चुके हैं, हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर ए पर्टिकुलर एमीन इज ए प्राइमरी एमीन और द सेकेंडरी एमीन और द टर्शियरी एमीन और द क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, आप कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, वन टाइम कार्बन से अटैच है, तो आपका प्राइमरी एमीन, टू टाइम कार्बन से अटैच है या टू कार्बन से अटैच है, तो आपका सेकेंडरी एमीन, थ्री टाइम कार्बन से अटैच है, थ्री टाइम्स का मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना रखे हैं नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके टर्शियरी एमीन कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बेसिक टेस्ट भी है जो लेबोरेटरी के अंदर हम करते हैं, द टेस्ट इज कॉल्ड एज द बेकर मुलिकन टेस्ट। ये क्या काम आता है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है एनओ टू, इसके आइडेंटिफिकेशन में इसको यूज किया जाता है। देखो उसमें करते क्या है, जो अभी हमने ये रिएजेंट डाला था क्या था, जिंक डस्ट ऑब्लिक में अमोनियम क्लोराइड, यही हम डालते हैं, यही डालते हैं, बोलो क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोक्सिलेमीन बनेंगे, बोलो कौन बनेंगे, ये जो आगे बने थे ये कौन है, हाइड्रोक्सिलेमीन, ये आपके हाइड्रोक्सिलेमीन कहलाते हैं। हाइड्रोक्सिलेमीन बनते हैं, पहले नाइट्रोसो बेंजीन फिर हाइड्रोक्सिलेमीन बनते हैं। तो देखो जब भी हमने क्या किया, आपके नाइट्रोबेंजीन लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आपने थोड़ा जिंक डस्ट डाला, अमोनियम क्लोराइड डाला, तो जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा वॉर्म करते हैं और हमें क्या मिले, हाइड्रोक्सिलेमीन। अब हाइड्रोक्सिलेमीन को हम दोबारा नाइट्रोसोबेंजीन में पैक कन्वर्ट करेंगे, क्या डाल के, टोलेंस रिएजेंट डालेंगे, क्या डालेंगे बोलो, टोलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ये जो रिएक्शन चल रही थी ना आपकी, ये नाइट्रोबेंजीन की आप क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, जिंक ऑब्लिक में अमोनियम क्लोराइड डाल के न्यूट्रल मीडियम में क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, तो रिडक्शन की तो क्या बना आपके, नाइट्रोसोबेंजीन के ऊपर रिएक्शन नहीं रुकी, किस पे रिएक्शन जाके रुकती है, अगर आप जिंक ऑब्लिक में अमोनियम क्लोराइड डालें, हाइड्रोक्सिलेमीन तक रिएक्शन चली जाती है, तो हाइड्रोक्सिलेमीन जो बने, हमने उसके अंदर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, दैट इज अ टोलेंस रिएजेंट, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई दोबारा से, देखो ऐसे बैक, तो हाइड्रोक्सिलेमीन दोबारा से बैक किस में कन्वर्ट हो गए बोलो, ऑक्सीडेशन होने से नाइट्रोसोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और सिल्वर बीरर भी बन जाता है टेस्ट ट्यूब के ऊपर। तो देखो हमने क्या लिखा नीचे आप देख लें, नाउ एड द टोलेंस रिएजेंट इन द अबो मिक्सचर। देखो पहले हमने क्या डाला, फिर से बता दें, आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, जैसे ऊपर रिएक्शन हमने शो कर रखी है, उसमें आपने जिंक डस्ट ऑब्लिक में अमोनियम क्लोराइड आपने डाला, तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिलेमीन बनेंगे, हाइड्रोक्सिलेमीन बने क्योंकि रिडक्शन हुई है, हमने उसके अंदर डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज द टोलेंस रिएजेंट, तो आपका जो हाइड्रोक्सिलेमीन है ये दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो गया, बैक नाइट्रोसोबेंजीन में, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि हाइड्रोक्सिलेमीन दोबारा नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्शन स्टॉप्स एट द नाइट्रोसोबेंजीन स्टेज, तो नाइट्रोसोबेंजीन बने अलोंग विद द अपीयरेंस ऑफ द सिल्वर मिरर, टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल के ऊपर सिल्वर मिरर भी डिपॉजिट हो जाता है, तो इससे हम डिटेक्ट करते हैं कि हाँ हमारा जो कंपाउंड था, जो गिवन कंपाउंड था, वो कोई और नहीं, वो कौन था आपका, नाइट्रोबेंजीन। तो इस टाइप से नाइट्रोबेंजीन की हम डिटेक्शन कर लेते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन हमें गिवन है या नहीं, तो उसके डिटेक्शन करने के लिए, नाइट्रो ग्रुप का पता लगाने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो कहलाता है बेकर मुलिकन टेस्ट, क्या कहलाता है, बेकर मुलिकन टेस्ट, इस टाइप से ये टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं नाइट्रोबेंजीन की फर्दर कुछ रिडक्शन, जिससे हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, अब की बार एनिलीन नहीं, हमारे डिफरेंट और प्रोडक्ट भी देखो बन सकते हैं। तो जैसे हमने नाइट्रोबेंजीन लिया, नाइट्रोबेंजीन की हम रिडक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम में यूजिंग द डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट,
जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जैसे हमने बाय मोलिकुलर रिडक्शन करवाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पे रिडक्शन। अगर बहुत ही कम रिडक्शन हो, बहुत ही कम का मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए, देखो किस टाइप से कि इस एक नाइट्रोबेंजीन की देखो मैं शो कर रहा हूँ आपको, यहाँ से देखो इसकी रिडक्शन हो जाएगी पहले। इधर तो क्या लग जाए ऑक्सीजन के पास, एच ओ एच, बोलो क्या निकल जाए यहाँ से, देखो वाटर निकल गया यहाँ से, वाटर प्लस यहाँ से जो नाइट्रोजन के ऊपर जो डबल बॉन्ड लगे हैं, देखो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ से, ये डबल बॉन्ड भी हट जाए, डबल बॉन्ड हट जाए दोनों नाइट्रोबेंजीन मॉलिक्यूल के, बाय मॉलिक्यूलर रिडक्शन है, दो दो मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये ओ यहाँ से भी हट जाए, ओ जाएंगे तो बोलो क्या लगेगा इनके साथ, देखो इस टाइप से एच, देखो एच, तो वाटर वहां से भी निकल जाए और नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के अब डबल बॉन्ड टूटे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, एक ये ओ नेगेटिव अटैच है अभी, एक नाइट्रोबेंजीन के ऊपर ये अटैच है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच देखो डबल बॉन्ड बन जाए, दोनों नाइट्रोबेंजीन मॉलिक्यूल के बीच देखो रिएक्शन चले। अगर हम ग्लूकोज ऑब्लिक में NH डाल के रिडक्शन करवाएं तो देखो इस टाइप से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो एक बेंजीन, एक नाइट्रोबेंजीन के ऊपर से हमने क्या शो किया था, जो ओ नेगेटिव था वो वाटर की फॉर्म में, देखो यहाँ से लॉस्ट हो गया, देखो यहाँ से वाटर निकल गया एज ए साइड प्रोडक्ट, ऊपर जो N डबल बॉन्ड हो वहां से भी बोलो क्या लॉस हुआ, देखो ये वाटर, और इधर से भी बोलो क्या लॉस हुआ आपका, ये वाटर और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या बन गया, देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, देखो ये डबल बॉन्ड प्लस एक ओ नेगेटिव अटैच है अभी तक, देखो ओ नेगेटिव दैट इज द एजोक्सी बेंजीन, बोलो कौन बन गया आपके, एजोक्सी बेंजीन। तो एग्जाम में आ जाए हाउ कैन यू कन्वर्ट द नाइट्रोबेंजीन इनटू एजोक्सी बेंजीन, तो आप क्या रिएजेंट यूज करेंगे, ग्लूकोज ऑब्लिक में NH, और इस टाइप से जैसे आपको बताया गया इस तरह से वाटर लॉस होगा तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम फर्दर चाहते हैं रिडक्शन थोड़ी और हो जाए, फर्दर का मतलब कैसे, ये जो ओ नेगेटिव है यहाँ से ये ग्रुप भी हट जाए, मीन्स इसके ऊपर VH लग जाए, इसके ऊपर VH मतलब ये वाटर निकल जाए, मीन्स N डबल बॉन्ड N ही रह जाए, मीन्स एजोबेंजीन कहते हैं जिसे आप, जिसे आप क्या कहते हैं, एजोबेंजीन वो बन जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं ये दो नाइट्रोबेंजीन के मॉलिक्यूल लिए और रिड्यूसिंग एजेंट हमें चेंज करने पड़ेंगे, वो हमने कौन लिया, जिंक ऑब्लिक NH इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ बोलो क्या, मिथेनॉल। तो उसी टाइप से मैंने अभी जैसे आपको ऊपर करके दिखाया, जो एजोक्सी बेंजीन है अगर ग्लूकोज ऑब्लिक में NH डाला तो रिएक्शन किस स्टेज पे रुकी, एजोक्सी बेंजीन के ऊपर। अगर आप जिंक ऑब्लिक में NH ऑब्लिक में मिथेनॉल डालते हैं तो एजोक्सी बेंजीन तो एज ए इंटरमीडिएट बनता ही है, प्लस फर्दर रिडक्शन हुई जैसे ऊपर मैंने आपको बता दिया और आपका ये बन गया, बोलो कौन, एजोबेंजीन। देखो अगर फर्दर करते हैं तो ये एजोबेंजीन बन गया, इस टाइप से क्लियर हो गया। तो एग्जाम में ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये भी आ जाए, व्हाट विल हैपन व्हेन द नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद ग्लूकोज ऑब्लिक में NH, तो एजोक्सीबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। अगर एग्जाम में ये आ जाए, व्हाट विल हैपन व्हेन द नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद जिंक ऑब्लिक NH ऑब्लिक में मिथेनॉल, तो एजोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। अगर आप फर्दर इसकी रिडक्शन कर दे, देखो इस टाइप से जो ये N और N के बीच में देखो ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक ही बॉन्ड की देखो क्लीवेज कर दें तो नाइट्रोजन के ऊपर भी एक एच, इधर नाइट्रोजन के ऊपर भी एक एच, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हाइड्रोजन हाइड्रोएजोबेंजीन कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, हाइड्रोएजोबेंजीन। अगर हम मिथेनॉल हटा देते हैं, मिथेनॉल ने क्या किया है, जिंक ऑब्लिक NH अगर अकेला डालते तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू द मिथेनॉल। तो देखो हमने सिंपल जिंक ऑब्लिक में देखो वही दो बार नाइट्रोबेंजीन मॉलिक्यूल को लिखा, एरो के ऊपर लिखा जिंक ऑब्लिक NH, तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, मिथेनॉल हमने नहीं डाला। जैसे मैंने ऊपर आपको करके दिखाया है एजोबेंजीन के अंदर, देखो फर्दर जो रिडक्शन की देखो इस टाइप से, तो क्या बन गया, हाइड्रोएजोबेंजीन। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, अगर आप जिंक ग्लूकोज ऑब्लिक NH डालते हैं तो आपकी जो रिडक्शन है टू द स्मॉल एक्सटेंट हुई तो क्या बना, एजोक्सीबेंजीन। अगर जिंक ऑब्लिक NH ऑब्लिक मिथेनॉल ले तो रिडक्शन थोड़ी इंक्रीज हुई तो क्या बना, एजोबेंजीन। अगर आप जिंक ऑब्लिक NH ही लेते हैं तो फर्दर रिडक्शन तो क्या बना आपका, हाइड्रोएजोबेंजीन। तो इस टाइप से आपने डिफरेंट रिडक्शंस देखी अलग अलग रिएजेंट की हेल्प से, लेकिन मीडियम हमारा बेसिक रहा, एल्कलाइन रहा, तो यही हमारी मेन हेडिंग थी, रिडक्शन इन द एल्कलाइन मीडियम। तो नाइट्रो कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम, तो ऊपर देखो ये यहाँ पे गलती से हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम यूजिंग द डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट गिव्स द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक द एजोक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन और द हाइड्रोएजोबेंजीन। जो एजोबेंजीन बना है ये और कैसे बन सकता है, मैंने पीछे बताया भी था, आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। देखो जैसे नाइट्रोबेंजीन ने हमने ले लिया और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया, लेकिन अकेला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं लेना आपको, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि नाइट्रोबेंजीन और एरिन और रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड लाइक द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड गिव्स द एमीन्स। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑब्लिक में हमने क्या डाला है, देखो इथर,
तब जाके आपके ये बाय मोलिकुलर रिडक्शन होती है और क्या बन जाता है जो बेंजीन। अगर आप सिंपल लिथियम 11 हाइड्रेट लेते हैं तो आपका क्या बना था वहां पे एनिलीन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो थैंक यू दैट ऑल अबाउट दिस डिफरेंट रिएक्शंस। हमने यहाँ पे प्रिपरेशन देखी नाइट्रोबेंजीन से, हमने किसको प्रिपेयर किया आपके एनिलीन, एनिलीन को हमने बेंजीन से प्रिपेयर किया, बेंजोइक एसिड से, बेंजामाइड से, बेंजल्डिहाइड से हमने डिफरेंट प्रिपरेशन की आपके एनिलीन की। उसके बाद हमने साथ के साथ ये भी बताया कि कई बार ऐसी ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं कि आप ये सोचते हैं एनिलीन बनेगा लेकिन कोई और प्रोडक्ट भी बन जाता है, वो एरोमेटिक एमीन ही है। तो आज हमने जो डिफरेंट मेथड्स देखे वो किसके लिए देखे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन आपका एनिलीन भी हो सकता है, वो बेंजाइलएमीन भी था, और इस टाइप से ये डिफरेंट जो कंपाउंड आपके बने इन सभी के अंदर बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है इनके अंदर, तो ये सभी आपके एमीन्स की एरोमेटिक एमीन्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इसलिए हमने ये डिफरेंट और रिडक्शन भी करके दिखाई नाइट्रोबेंजीन को लेके, बायोमोलिकुलर रिडक्शन भी हमने की अंडर द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। सो दैट ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक एमीन्स। थैंक यू।